नमस्कार, मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, संसद के मॉनसून सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है। 20 जुलाई को मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, पहले दिन से ही संसद में मणिपुर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, छाया हुआ है। एंड मौके पर मणिपुर से एक वीडियो सामने आया जिसने महिलाओं को नंगा कर घुमाते हुए दिखाया गया, जिस पर सियासत बहुत तेजी से गरमाई। विपक्ष के हाथों में मणिपुर का वीडियो बड़ा सियासी हथियार बन गया। 20 जुलाई को संसद में मणिपुर मसले पर हंगामा हुआ, 21 जुलाई को भी संसद में मणिपुर गूंजता रहा। 21 जुलाई को संसद के दोनों ही सदनों को मिलाकर करीब 40 मिनट का काम हो सका। 24 जुलाई को भी यही हाल रहा। 24 जुलाई को भी विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर मणिपुर पर बड़ी चर्चा का दबाव बनाया रखा। विपक्ष संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच की मांग पर अड़ा हुआ। 25 जुलाई, फिर 26 जुलाई, संसद में कैसे मणिपुर पर हंगामा हो रहा है, मणिपुर पर गंभीरता से बात नहीं हो रही, संसद में कामकाज नहीं हो रहा है, कैसे हर दिन जनता का करोड़ों का रुपया बर्बाद हो गया, या आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। सत्ता पक्ष विपक्ष अब दोनों की रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव वाला दांव चल दिया। चुनावी माहौल में विपक्षी गठबंधन इंडिया का यह दांव सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। लोकसभा में मोदी सरकार बहुत मजबूत है, एनडीए का आंकड़ा बहुत बड़ा है, बावजूद इसके विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव लाने की लगातार कोशिश हैरान करती है। विपक्ष कैसे इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का बड़ा दांव मानता है, विपक्ष कैसे इस मणिपुर पर केंद्र सरकार को एक्सपोज करने वाला हथियार मानता है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा और दिखाऊंगा। मानसून सत्र में सरकार को घेरने की विपक्ष की अपनी बड़ी तैयारी। सत्ता पक्ष ने पेच डाल दिया है, सत्ता पक्ष अविश्वास प्रस्ताव वाले दांव की धार कम करने में लगातार जुटा हुआ है। कैबिनेट की बैठक में दिल्ली अध्यादेश बिल को मंजूरी मिलने के बाद सरकार इसे संसद में पेश करने वाली है, और मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि इसे अविश्वास प्रस्ताव के पहले लाया जाएगा। 31 जुलाई का दिन बेहद खास माना जा रहा है, और जिस दिन केंद्र सरकार दिल्ली अध्यादेश बिल संसद में पेश करेगी, कैसे विपक्षी एकता के लिहाज से दिल्ली अध्यादेश बिल खास होगा, आज आपको यह भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि उससे क्या। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। संसद पर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की नजर है। संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया, संसद के मानसून सत्र में किन मुद्दों का जोर रहेगा, किन मुद्दों पर बवाल होगा, संसद में इस बार किन कानूनों से जुड़ी तैयारियां देखने को मिलेगी, देश की दिशा दशा बदलने वाले किन नियम कायदे कानूनों पर बात होगी,
देश को नई दिशा देने वाले किन बिलों पर बहस होगी और कौन से ऐसे विधायक हैं, कौन से ऐसे विधेयक हैं जो पास होंगे, कौन से विधेयक पास नहीं होंगे, इस पर चर्चा। जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है आम तौर पर कुछ ऐसे ही सवालों का जोर रहता है और ये सामान्य से सवाल है जिन पर पूरे हिंदुस्तान की नजर रहती है। हर कोई उम्मीद करता है कि संसद में हंगामा हो मगर संसद में कामकाज भी चलता रहे। सरकार पर सवाल तो उठाए जाएंगे, सरकार के कामकाज की बात हो, संसद का मॉनसून सत्र चलता रहे। हर दिन बस यूं ही गुजर रहा है, संसद में कामकाज ठप पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक संसद के एक घंटे का खर्च करीब 1.5 करोड़ रुपए है और आप समझ सकते हैं कि हर दिन के हिसाब से आपका और हमारा पैसा, जनता का पैसा, टैक्स का पैसा किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। हर दिन गुजरता जा रहा है लेकिन संसद में हर दिन हंगामा हो रहा है। पिछले 4 दिनों से संसद में बस मणिपुर गूंज रहा है, मणिपुर पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा के नाम पर बस माहौल बनाया जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 20 जुलाई मानसून सत्र का पहला दिन दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने मणिपुर घटना पर हंगामा शुरू कर दिया और हंगामे की वजह से कार्यवाही को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया। 21 जुलाई सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा किया और दोनों सदनों की कार्रवाई 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। सत्र के दूसरे दिन लोकसभा की कार्रवाई कुल 19 मिनट हुई, राज्यसभा की कार्रवाई सिर्फ 18 मिनट हुई। एक एक मिनट का फर्क। और 24 जुलाई को मानसून सत्र के तीसरे दिन भी मणिपुर मुद्दे को लेकर लोकसभा राज्यसभा यानी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सरकार पर चर्चा के लिए दबाव बनाना लगातार जारी रखा और हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई 25 जुलाई तक के लिए स्थगित हुई। 25 जुलाई सत्र के चौथे दिन भी मणिपुर का मुद्दा लगातार गर्मा था और लोकसभा में सांसदों ने सदन में जमकर नारेबाजी की, इंडिया फॉर मणिपुर के पोस्टर दिखाए। सदन की कार्रवाई पहले 12 बजे तक, उसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा तीसरी बार नारेबाजी के बीच शुरू हुआ और विपक्ष के वॉकआउट के बाद 2 घंटे से ज्यादा कार्रवाई चली। इस दौरान अनुसूचित जनजाति से जुड़ा संशोधन विधेयक 2022 संसद में पेश हुआ और यह विधेयक छत्तीसगढ़ के कई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल करने के लिए और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस बिल को पेश किया। विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध किया और कहा कि पहले सदन मणिपुर पर सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं इस तरीके से संसद का हर दिन बीतता रहा, संसद में बहुत कम काम हुआ, संसद में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ और संसद में 26 जुलाई को भी यही देखने को मिला। संसद में सिर्फ और सिर्फ मणिपुर का मुद्दा लगातार छाया हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा, इस दौरान कुल 17 बैठक होने वाली है। मानसून सत्र में केंद्र सरकार की कुल 31 बिल लाने की तैयारी है और इनमें
31 नए बिल हैं। 10 बिल वैसे हैं जो पहले संसद में किसी सदन में पेश हो चुके हैं। उन बिलों पर चर्चा होनी है और सबसे ज्यादा जो चर्चित बिल है वो दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादेश है, जिस अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा एक्टिव रही। देश की राजधानी दिल्ली के लिए अध्यादेश काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और दिल्ली में किसकी चलेगी इस पर फाइनल फैसला संसद में आएगा। दिल्ली की दशा दिशा से जुड़ा यह बड़ा फैसला है जिस पर पूरे देश की इस वक्त नजर है। यह अध्यादेश देश हिंदुस्तान में विपक्ष की राजनीति को बहुत ज्यादा धार देने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले कुछ दिनों में इस पर काफी ज्यादा मेहनत की, इसे विपक्षी एकता का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया और केंद्र सरकार ने दिल्ली अध्यादेश से जुड़ी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। 25 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली अध्यादेश की जगह एक विधेयक लाने का प्रस्ताव की मंजूरी दी। सरकार मानसून सत्र में ही बिल को संसद में पेश करने पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इसे लेकर उपराष्ट्रपति को पत्र लिखा, इस अध्यादेश को संसद में पेश करने को गलत बताया। मैं आपको आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनने वाला जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है उसे संसद में पेश करना, उसका इंट्रोडक्शन नाजायज है, अनुचित है, इम्परमिसिबल। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, एक सर्वसम्मति से यूनैनिमस निर्णय दिया था जिसके तहत तमाम शक्तियां अफसरशाही से संबंधित, सर्विसेज से संबंधित, अफसरों से काम लेने की, उनको काम देने की जो शक्ति है वो चुनी हुई, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के माध्यम से सिद्ध करी। 11 मई 2023 को यह फैसला आया और मात्र 8 दिन के भीतर केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस लाकर, एक अध्यादेश लाकर इस फैसले को उलट देती है, पलट देती है, ओवरटर्न कर देती है। इस अध्यादेश को अब राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करने की कवायद केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है कि राज्यसभा से और लोकसभा से इस पे मोहर लगवाकर इसे कानून के रूप में तब्दील कर दिया गया। इसे देश की संसद में पेश करना, इसे इंट्रोड्यूस करना गैर कानूनी होगा, इम्परमिसिबल होगा, नाजायज होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से यह खबर मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली अध्यादेश बिल सोमवार के दिन यानी 31 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा और मेरे सूत्र यह भी मुझे जानकारी दे रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली अध्यादेश बिल संसद में पेश करेंगे। सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है, मणिपुर मामले पर अविश्वास प्रस्ताव के पहले संसद में दिल्ली अध्यादेश पर बड़ा हंगामा देखने को, और पूरे देश की नजर इस पर रहने वाली है। इसे विपक्षी एकजुटता का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं के मणिपुर मामले को लेकर संसद में सियासी संग्राम लगातार बना हुआ है। मणिपुर चर्चा को लेकर लगातार खींचतान चल रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष अपने सियासी सरोकार के हिसाब से मणिपुर पर चर्चा की पेशकश कर रहे हैं और इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको विपक्ष की इस तैयारी के बारे में 25 जुलाई को बता भी चुका हूं। 26 जुलाई को कांग्रेस सांसद
गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। अविश्वास प्रस्ताव तकरीबन 9 बजे के आसपास स्पीकर को भेजा। अगर अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के पास 10 बजे से पहले चला जाता है तो ऐसा माना जाता है कि इस पर चर्चा संसद में उसी दिन हो। स्पीकर ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, मगर चर्चा की तारीख को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी बीएसआर ने भी अलग से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नियम 198 के तहत लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने के लिए करीब 50 विपक्षी सांसदों का समर्थन होना जरूरी है और पहले लोकसभा स्पीकर को नोटिस दिया जाता है। नोटिस स्वीकार की जाने के 10 दिन के भीतर चर्चा की तारीख तय की जाती है और चर्चा के बाद वोटिंग होती है। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर एक अहम कदम माना जा रहा है। अगर संसद के 51% सांसद अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं तो यह पारित हो जाता है और माना ही जाता है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है और इसे उस पद से इस्तीफा देना होगा। सरकार का या तो विश्वास मत लाकर सदन में अपना बहुमत साबित करना होता है या फिर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद सरकार से बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। मैं आपको यह बताना चाहूं, यह पहली बार नहीं है जब विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। इससे पहले 20 जुलाई को यानी 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संसद में मोदी सरकार की हालत काफी ज्यादा मजबूत है। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव वाला दांव इस बार भी फेल हो रहा है। सरकार के पक्ष में लोकसभा में 353 सदस्य हैं, जबकि विपक्ष की तरफ से वोट करने वाले सांसदों का आंकड़ा 148 के करीब पहुंचता है और लोकसभा में इस वक्त बीजेपी के 301 सांसद, शिवसेना सिंधे गुट के 12 सांसद, एलजेपी के 6, अपना दल के 2, वाईएसआर कांग्रेस के 22 और सरकार के दूसरे सहयोगी 10 सहयोगी सांसद अविश्वास प्रस्ताव में विरोध कर सकते हैं और उसके विरोध में, जबकि मोदी सरकार के खिलाफ खड़े होने वाले दलों में कांग्रेस के 50 सांसद, डीएमके के 24 सांसद, टीएमसी के 23 सांसद, जेडीयू के 16 सांसद, वीआरएस के 9 सांसदों के साथ दूसरे 26 सहयोगी दल शामिल हो सकते। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव वाला दांव फेल होगा। विपक्ष को भी इस बात का अंदाजा है कि विपक्ष मणिपुर मामले पर सरकार को घेरने के लिए ऐसा कर रहा है और मणिपुर मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले विपक्ष इसे ही अपनी जीत मानकर चल रहा है। मैं राष्ट्रीय आवाज के जरिए आपको विपक्ष की आवाज सुनवाना चाहता हूं, आप सुन। देखिए इसको थोड़ा इसका निहितार्थ समझिए। हमें पता है आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है। मणिपुर जल रहा है, वहां के लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जुबान कब खोलेंगे। किसी भी और उपकरण से वो जुबान खोल नहीं रहे थे। उंगली की चोट पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में हमारी बहनों के नग्न परेड के बाद भी चुप है, तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनको बोलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। तो इनको तो बराबर कह रहा है भाई,
कि उनको बोलना चाहिए, कुछ बता नहीं रहे हैं और सब लोग गायब, बाकी लोग कह रहा है इसको लेकर के तो कई दिनों से नलग कह रहे हैं भाई, कि वहाँ जो भी घटना घटी है और जो कुछ भी हो रहा उस पर ध्यान दीजिए, इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष भी अविश्वास प्रस्ताव को आंकड़ों के दम पर पहले से ही पस्त मान रहा है। सत्ता पक्ष के आत्मविश्वास के पीछे ब्रांड मोदी पर सबसे ज्यादा भरोसा झलकता है। मैं राष्ट्र के वास के जरिए आपको सत्ता पक्ष के नेताओं के बयान सुनवाना चाहता हूँ, आप सुनिए उनके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास। नो कॉन्फिडेंस दिया है तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है ही है, और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। नहीं, वो तो लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा देंगे। नो कॉन्फिडेंस की बात करें, वैसे भी विपक्ष को तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था, उनको 2014 से ही कॉन्फिडेंस नहीं है, वो 2018 में भी लाए थे। ये सदन का टाइम बर्बाद करते हैं भाई। नो कॉन्फिडेंस उस पे लाते हैं जहां आपको उनकी बहुमत की संख्या पे कोई शंका हो आपको। यहां तो कोई शंका नहीं है, सदन का भी बहुमत है मोदी जी के पास। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मणिपुर को लेकर दिल्ली की सियासत सुलगी हुई है। सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी सुविधा के मुताबिक इस मसले पर संसद में बैठ जाता है। दिल्ली में हंगामा है, मणिपुर में खौफनाक तरीके से फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन डर है कि पता नहीं क्या कुछ हो जाए। मणिपुर का हालात कब तक ठीक होगा इस बात को कोई नहीं जानता। मणिपुर के दर्द को कांग्रेस के सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रताप गढ़ी ने अपनी नज्म के जरिए संसद के भीतर देश और दुनिया के सामने रखा है। इमरान प्रताप गढ़ी बहुत मशहूर शायर हैं। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि इमरान प्रताप गढ़ी ने मणिपुर का दर्द अपनी नज्म के जरिए किस तरीके से सामने रखा। कितना किसे अब सुनाए सुनो, जख्म जाकर कहां अब दिखाए सुनो, दर्द कितना किसे अब सुनाए सुनो, जख्म जाकर कहां अब दिखाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाए सुनो, मैं मणि। तो संसद के भीतर भी लगातार मणिपुर का दर्द, मणिपुर का गुस्सा सांसदों के भीतर देखा जा सकता है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, कल रात 9 बजे फिर होगी।